उधर रांची पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही होटल शिवालिक में हुए डबल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। नागेश्वर मेहता और अभिषेक मेहता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि नागेश्वर मेहता का होने वाला दामाद ही निकला। आखिर चंदन कुमार ने क्यों की इन दोनों की हत्या, रिपोर्ट देखें। रांची में डबल मर्डर केस का खुलासा, दामाद बनने से पहले बना कातिल, होने वाला दामाद ही निकला हत्यारा। पुलिस के शिकंजे में आरोपी चंदन कुमार, 24 घंटे के भीतर पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। 24 घंटे के भीतर रांची पुलिस ने होटल शिवालिक में हुए डबल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं नागेश्वर मेहता का होने वाला दामाद ही निकला। पुलिस ने आरोपी चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर में इस कांड के जो है मुख्य अभियुक्त जिसका नाम चंदन कुमार है, इसकी अरेस्टिंग की गई है और घटना में प्रयुक्त जो भी उनके क्लोथ थे और जो चाकू इस्तेमाल किया गया था, जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया था, इसकी रिकवरी की गई है। चंदन कुमारी डबल मर्डर केस का मास्टरमाइंड है। पहले नागेश्वर मेहता और उनके बेटे अभिषेक मेहता की हत्या की, फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद फोन कर पुलिस को सूचना दी। अब सवाल ये कि कमरा नंबर 201 में हुआ क्या? होटल शिवालिक के कमरा नंबर 201 में डबल मर्डर हुआ है। नागेश्वर मेहता और उनके बेटे अभिषेक मेहता की हत्या कर दी गई। हजारीबाग के इचाक के रहने वाले थे नागेश्वर और अभिषेक। नागेश्वर मेहता के होने वाले दामाद को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पहले दोनों की हत्या की गई, फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए फोन भी किया गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए फोन कर खुद ही आरोपी ने हत्याकांड की सूचना दी। नागेश्वर मेहता की बेटी से चंदन कुमार की शादी तय थी, लेकिन शादी से पहले नागेश्वर की बेटी और चंदन ज्यादा करीब आ गए थे, जिसका वीडियो नागेश्वर के बेटे अभिषेक के हाथ लग गया। वीडियो के आधार पर अभिषेक मेहता चंदन को ब्लैकमेल करने लगा, कभी पैसे तो कभी मोबाइल की डिमांड करता था। ब्लैकमेल से परेशान होकर चंदन कुमार ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। चंदन कुमार की शादी जो मृतक है नागेश्वर मेहता और अभिषेक मेहता की सिस्टर के साथ होना था और लगभग ये दोनों कई सालों से एक दूसरे संपर्क में थे। इसी बीच में जो था कुछ एक बातें हुई थी और उसको लेके मृतक का जो मतलब मृतक है अभिषेक था वो और इसके फैमिली वाले द्वारा इसको ब्लैकमेल किए जा रहे थे। और जैसे कि अभी जो इस कन्फेशन में एक्सेप्ट किया है कि हम तंग आ गए थे उन लोगों के ब्लैकमेलिंग से, हमारे पास भी पैसे थे जो हमारे पिताजी और माताजी जो मरे थे तो पैसे हमको मिले थे और इनको पता था मेरे पैसे हैं, तो लगातार कई सालों से ब्लैकमेलिंग हो रहा था और फिर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, तो ऐसे नहीं करोगे तो ये कर देंगे, ऐसे नहीं करोगे तो वो कर देंगे। तो फिलहाल इसी तंग आके मैंने एक प्लान गढ़ी और प्लान के तहत पहले तो उसका बेटा को यहाँ बुलाया किसी काम से, फिर उसके पिताजी को बुलाया जमीन खरीदने के नाम पे, फिर दोनों को एक जगह शिफ्ट कराए होटल में और फिर उसके बाद जो था एक समय निकाल के मैंने इसके पानी में जो कुछ मेडिसिन थे जिससे कि आदमी को बहुत नींद आती है, बेहोश जाते हैं, क्लोनोपेजियम को मिलाया और उसके ओवर डोज होने के बाद जब मैं आश्वस्त हो गया कि अब ये बिल्कुल होते, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा कि जो था बिल्कुल रिएक्शन नहीं हुआ था, किसी व्यक्ति की हत्या की जा रही है चाकू चल रहे हैं तो आदमी रिएक्ट करता है लेकिन बिल्कुल रिएक्शन नहीं था, तो इस कारण से कि वो बिल्कुल बेहोश थे, होश में नहीं थे, इसी बहुत आसानी से मैंने दोनों को वहां पे मार दिया। नागेश्वर मेहता और उनके बेटे अभिषेक मेहता होटल शिवालिक के कमरा नंबर 201 में ठहरे थे जहां खून से लथपथ दोनों का शव मिला। नागेश्वर मेहता के होने वाले दामाद ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस की जांच में चंदन मेहता ही मास्टरमाइंड निकला। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, कल इसी वक्त की घटना है जब बाप बेटी की हत्या कर दी जाती है और वो इंसान जो चीख चीख कर बाहर में हल्ला कर रहा था पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था कि यहां पर बाप बेटे की हत्या हो गई है, और आखिरकार पुलिस ने पता लगाया 24 घंटे के अंदर कि हत्यारा चंदन कुमार ही है, लेकिन क्या जो वजह उसने बताई है क्या वही वजह है, क्या ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया?
देखिए बिल्कुल राजदा, जिस तरह से इस पूरी घटना की साजिश रची गई, बिल्कुल पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत पहले बाप बेटे को रांची बुलाया गया, स्थानीय होटल पर उसे रखा गया, और ऐसे में इनको रखने के बाद जिस कमरे में आरोपी चंदन को प्रवेश करना था उस कमरे के दरवाजे को खोल करके पहले से ही रखा गया था, क्योंकि जो बाप बेटे है उनको नशीली दवाइयां खिलाई गई ताकि वो बदहवास हो जाए या भी गहरी नींद में चले जाए। उसके बाद दोबारा उस कमरे में पहुंचते हैं और चाकू से गला रेत करके हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी घटना को लेकर के चंदन कुमार ने पहले ही पूरी साजिश रची। चाहिए अब हत्या की वजह की अगर हम बात करें तो जो आरोपी ने पुलिस को जानकारी दी है उसके आधार पर कि जो जो मृतक के जो बेटा है जो अभिषेक मेहता, वो लगातार चंदन को ब्लैकमेल किया करता था, कभी कभी कुछ मांगा किया करता था, कभी पैसे की डिमांड की जाती थी, कभी कुछ का डिमांड किया जाता था, क्योंकि वो कहता था कि अगर ये सारी चीजें उनकी बातों को नहीं माना गया तो पूरे परिवार को उनके और उनके बहन के बारे में जो संबंध है वो पहले से ही बता दिया जाएगा, क्योंकि शादी तय हुई थी, शादी हुई नहीं थी लेकिन दोनों काफी करीब आ चुके थे और इसका वीडियो फुटेज और अन्य चीजें भी जो है वो मृतक के परे जो अभिषेक मेहता है उसके पास मौजूद था। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर के लगातार दबाव में था, साथ ही ये भी धमकी दी जा रही थी कि शादी तोड़ने के बाद जो है उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा कि किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ गलत काम किया बल्कि शादी भी तोड़ दी। इन सारी चीजों को लेकर के लगातार ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था। इसी को आधार बनाते हुए जब काफी तंग आ गया तब जाकर के दोनों ही मृतक को जो आरोपी ने रांची बुलाया, स्थानीय होटल में रूम दिलाए, उसके बाद कमरे में ले जाकर के दवाइयां खिलाने के बाद बदहवास करने के बाद उसके गले रेत करके हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। रांची पुलिस के लिए बेहद बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि घटना के बाद FSL सहित कई महत्वपूर्ण टीमें इस पूरे मामले पर काम कर रही थी। FSL का कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कमरे में कितने व्यक्ति ने प्रवेश किया था और किस तरह की स्थिति थी, FSL की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण करती है। साथ ही पूरी टीम इसलिए भी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए क्योंकि सिटी SP या सिटी DSP के साथ साथ चुटिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में जिस तरह से टीम काम कर रही थी, टीम ने हर एक पहलुओं को गंभीरता से जांचा, CCTV से लेकर के तमाम चीजें जब जांची गई तब पुलिस को पूरी तरीके से ये कन्फर्म हो गया कि कहीं ना कहीं दामाद जो होने वाले व्यक्ति है चंदन कुमार वही इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। भले ही उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही फोन करके पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देता है, यहां तक कि पुलिस को यह भी कहता है कि इस पूरे कांड को जल्द उद्भेदन कीजिए, घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द कीजिए, यह भी कहता है वह नजर आता है। देर रात तक पुलिस को तरह तरह की कई कहानियां तो सुनाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की ये बड़ी कामयाबी कि आखिरकार चंदन कुमार जो दामाद बनने वाला था, जो हत्यारा था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे इस कांड का उद्भेदन कर दिया है पुलिस ने 24 घंटे के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो कल की ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हत्या कर दी जाती है बाप बेटे की, और उस वक्त से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी, ये जांच कर रही थी कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।